रहा में पिज्जा, है। 1551 9। आपको होस्ट बना दूं मैं? जी बना दूँ। चलो मैं आपको होस्ट बना दूं। आप होस्ट बन गए। ओके करें स्टार्ट, अब टाइम में जाया करें। जी सर, ये पता नहीं क्या हो गया। शेयर पे जाके स्क्रीन शेयर कर लो। आपने शेयर स्क्रीन नीचे ऑप्शन आ रहा होगा। सिर्फ स्क्रीन का ही है। हाँ तो शेयर स्क्रीन को होगा ना, उसको ओके करें। इसी तरह प्रेजेंट कर दें अगर आपको नहीं समझ आ रहे। जी सर ठीक। अस्सलाम वालेकुम, आज हम लोग बात करेंगे सेंसेस की, कि हमारी कितनी सेंसेस होती हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जिसके अंदर वीन, ऑडिशन, ऑल्फेक्शन, टेस्ट एंड टच आता है। मेरी आवाज आ रही है? रही है, आ रही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विजन की। कहती है जो विजन है ना, ये हमारे पास वन ऑफ आवर रिचेस्ट सेंसेस है। वैसे तो बहुत सारी इनकी सेंसेस है, लेकिन ये वाली जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसके जरिए हम लोग इंफॉर्मेशन को थ्रू आवर आईज जो है वो गैदर कर सकते हैं। वो हमें बताते हैं कि हम लोग मतलब इस दुनिया में बहुत सारी चीजें देखते हैं, जिनकी शेप साइजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। कुछ स्टेशनरी होती हैं, कुछ मूवेबल होती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि हम लोग किस तरह जो है ना, वो इन चीजों को देख सकते हैं। ऐसी क्या मशीनरी है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम लोग मार्वेलस लैंडस्केप का ना एक्सपीरियंस कर सकें। अब इसके बाद आगे आते हैं द विजुअल स्टिमुलस एंड द आई। कहते हैं जो लाइट है, ये बेसिक स्टिमुलस है फॉर विजन का। उसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं नैरो बैंड ऑफ एनर्जी विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद इसमें वेवलेंथ का बताया है कि वेवलेंथ क्या होती है। वो हमारे पास डिस्टेंस होते हैं टू वेव पीक्स के दरमियान, ठीक है, जिसको हम लोग नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। जैसे जैसे जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है, फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर्स, हमारी जो सेंसेशन है ना वो शिफ्ट होती जाती है, फ्रॉम वायलेट टू ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड सो। जैसे कि इंस्टाग्राम में अगर आप लोग अपने नोटिस पे देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि 400 नैनोमीटर पे हमें जो वायलेट कलर है ये मतलब जो है वो शो होगा। उसके बाद 480 पे ब्लू, 500 पे ब्लू, ग्रीन एंड सो ऑन, मतलब रेड तक जो है ना वो चला जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि अगर फीवर वेवलेंथ जो है ना वो मिक्स हो जाएगी ना टुगेदर, तो जो कलर अपियर होगा ना वो ज्यादा सेचुरेटेड होगा या फिर प्योर होगा। फॉर एग्जाम्पल द डीप रेड ऑफ अ प्लम इज हाईली सैचुरेटेड। जैसे कि सर ने एग्जाम्पल दी थी कि जो आलू बुखारा है तो उसका जो है ना कलर वो मतलब वो जो है ना सैचुरेटेड ज्यादा होता है, जबकि जो पेल पिंक ऑफ एन एप्रिकॉट है वो लो सैचुरेशन होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आई की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि हमारी जो आई है उसके अंदर क्या मतलब स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारी आई में ना एक जो है ना वो कलर्ड हिस्सा होता है और एक जो होता है ना वो लाइक मतलब बॉल की तरह होता है। अब पहले हम लोग बात करेंगे कलर्ड वाले हिस्से की, ठीक है। जो कलर्ड वाला हिस्सा होता है ना उसे हम लोग कहते हैं आयरस, वो आयरस होता है। अब देखें कि उसके बाद आयरस का क्या काम होता है। जब लाइट जो है ना वो आती है ना, मतलब एयर से जब आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, तो हमारा ना मतलब एक पीछे इसका इमेज बनता है, फोकस इमेज बनता है। अब उसके दरमियान ना एक मतलब होते हैं दरमियान में सुराख होता है, जिसे हम लोग ब्लैक कलर का होता है, उसे ना हम लोग प्यूपल कहते हैं। अब जो प्यूपल होता है ना वो होता है, एक मिनट, जो आयरस होता है ना जो कलर मतलब पार्ट होता है वो हर इंसान का ना डिफरेंट होता है। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है।
तो अगर किसी का ब्लैक है ना तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो के आएगी तो मतलब आयरिस के अंदर एक ऐसा पिगमेंट होता है कि जो मतलब जिस शख्स की जिस तरह की आंख है ना वो उस तरह का उसको इमेज है ना वो दिखाएगी. अगर ब्लैक है तो ब्लैक दिखाएगी और अगर ब्राउन है तो ब्राउन दिखाएगी. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई. उसके बाद आता है प्यूपल. ठीक है, उसके बाद दरमियान में एक होल होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्यूपल. अब इसका क्या काम होता है, ये जो होता है ना वो लाइट रेज को ना मतलब आगे रिफ्लेक्ट कर देते हैं. लेकिन जो आयरस होता है ना वो कुछ लाइट को मतलब रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कुछ को एब्जॉर्ब कर देते हैं. इसका ना आयरस का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, वो ये होते हैं कि जब देखें, अब जो प्यूपल है ना, जब मतलब लाइट आती है, अब दिन के टाइम बहुत ज्यादा लाइट रेज होती है लेकिन हमें इतनी ज्यादा मतलब उनकी जरूरत नहीं होती. तो जब ये आती है ना तो हमारी जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना आई का, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं, उसके मतलब जब जाके बचती है ना लाइट रेज तो हमारे सेल्स को ना आंखों की सेल्स को बंद कर देते हैं. तो मतलब जो नुकसानदेह होते हैं हमारी आंखों के लिए. तो ये जो आयरिस होते हैं ना दिन के टाइम ना वो जो हमारा हिस्सा होता है ना प्यूपल, उसको ना वो कर देते हैं छोटा. और जब रात के टाइम मतलब हमें ज्यादा जरूरत होती है लाइट की तो उसको जो है ना वो बड़ा कर देते हैं. यानी कि आप ये कह रहे हैं जो आयरिस है ना वो मतलब खिड़की पे लगे ना पर्दे की तरह काम करते हैं, कि जब दिन टाइम हमें ज्यादा मतलब लाइट की रेज की जरूरत नहीं होती तो हम लोग पर्दे को फुल कवर कर देते हैं और जब शाम में जरूरत होती है तो हम लोग उसको खोल देते हैं. इसकी एग्जांपल आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं कि आप लोग मतलब डार्क रूम में जब आप लोग मिरर के सामने जाएंगे तो आपको अपना ये जो हिस्सा है ना प्यूपल का वो आपको बड़ा नजर आएगा, और जब भी आप लाइट ऑन करोगे ना तो ये छोटा नजर आएगा. ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी सबको? कोई मसला तो नहीं? नहीं. ओके, अच्छा उसके बाद आता है, अब आप ये देखें, ये जो है ना आई के आगे वाला हिस्सा थोड़ा बल्जिंग होता है, उभरा सा हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया. सबसे पहले जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन है ना वो कॉर्निया पे होती है, उसके बाद फिर प्यूपल, आइरिस एंड देन जो है ना वो नेक्स्ट आती है. अब हम लोग बात करते हैं, देखें इसके अलावा यहाँ पे ना होते हैं लेंस पड़ा होता है. ठीक है, हमारी आंख में ना एक लेंस सा पड़ा होता है, कॉन्वेक्स शेप का ना होता है ये. और इसके अच्छा पहले आते हैं कॉर्निया, उसके बाद कॉर्निया के ना आगे वाला जो हिस्सा होता है ना वो भी एक किस्म का कॉन्वेक्स शेप का होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्वस ह्यूमर. एक्वस मीन वाटरी. ठीक है, और ये जो है ना वो 99.9% ना वाटर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, बाकी जो 1% है वो विटामिन वगैरह मतलब लाइक इस तरह होते हैं. तो सबसे पहले जो है ना वो लाइट जो है वो सबसे पहले मतलब मैक्सिमम इसकी जो रिफ्रैक्शन है, बेंडिंग है, वो कॉर्निया पे होती है, देन फिर लेंस पे, प्यूपल, आइरिस, और फिर जो है ना वो आगे को जाके रिफ्लेक्ट होती है. अब लेंस का क्या काम होता है कि लेंस जो है ना वो एक फोकस इमेज देता है हमें, कि मतलब जब लाइट आई है ना एयर से कॉर्निया के ऊपर आके रिफ्लेक्ट हुई है, उसके बाद वो आइरिस पे आई है, फिर उसके बाद लेंस पे जाके ना लेंस उसको एक फोकस इमेज बनाता है इस पीछे सरफेस के पीछे. अब ये जो पीछे वाली सरफेस है ना, आप लोग नॉर्थ के ऊपर अगर डायग्राम देखें तो इसको हम लोग कहते हैं रेटिना. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हमें इमेज मिलता है तो वो हमें कैसे मिलता है, हम कैसे यानी कि देखते हैं. तो जो रेटिना होते हैं ना ये लाइट सेंसिटिव सेल से बना होता है, और वो जो सेल्स होते हैं ना वो लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर मतलब वो नर्व्स के थ्रू होते हुए ना आगे अगर आप लोग देखें तो ये ना हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, इसके थ्रू होते हुए ना हमारी ब्रेन के पास आती हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग बाहर की दुनिया को देख सकते हैं. इस तरह से हमें जो है ना इसका इमेज मिलता है. ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स. अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि ये जो होते हैं ना लेंस की मतलब साइड पे जो होते हैं ना फाइबर लाइक मटेरियल, इसको हम लोग कहते हैं सीलरी मसल्स. अब इनका क्या काम होता है ये मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वो एक इसका आई का हिस्सा है, फंक्शन है. अच्छा, ये जो दरमियान में होती है ना चीज़, ये जो रेटिना होता है ना, अब ये कह रहे हैं कि ये स्क्रीन की तरह काम करता है.
ठीक है, हमें एक मतलब फोकस जो है ना इसका इमेज मिलते हैं। अब ये जो रेड अंतर वाला जो पार्ट होते हैं ना जो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं विट्रस मेम्ब्रेन, मतलब ग्लासी। विट्रस मीन होता है ग्लासी, यानी क्या जेली टाइप होता है ये। वैसे ग्लास की तरह तो नहीं होता लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है ये। तो ये पता है क्या करते हैं, ये है ना मतलब जो आई है ना उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आई बॉल को। और ये जो होते हैं ना एक्वस ह्यूमर, ये कॉर्निया और लेंस को ना न्यूट्रिशन जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो सीलरी मसल्स है ना ये क्या काम करते हैं। अब जैसे कि आप देखें कि जो लेंस होते हैं ना इसकी कर्वेचर को हम लोग इनके चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप लोग कुछ देखना चाहते हो कोई ऑब्जेक्ट को, मतलब अगर वो दूर पड़ा हुआ है, तो जब दूर पड़ा होगा ना तो उसकी जो है ना मतलब आप कह लें कि इसकी लेंस को ना लो पावर मोड की जरूरत होगी। और इसका जो इमेज है ना मतलब जब लाइट आएगी ना तो इसको हल्के से ये रिफ्लेक्ट करेगा और आगे से ये जो है ना ये कर देगा इसको, इसका इमेज जो है ना वो रेटिना पे बन जाएगा। लेकिन जब कोई चीज पड़ी हुई है ना पास, तो उसको ना ज्यादा बेंड होना पड़ेगा, ज्यादा उसको बेंडिंग होनी पड़ेगी। जो आगे वाला हिस्सा है ना रिफ्रैक्ट वैसे ही होगा लेकिन पीछे से ना वो ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा। तो सीलरी मसल्स ये काम करती है कि जो लेंस का कर्वेचर है ना उसको चेंज करती है। ये जो हमारे पास लेंस होते हैं ना ये ना रिजिड मटेरियल से नहीं बना होता, अगर बल्कि ये जेली लाइक मटेरियल्स है ना उससे बना होता है, ताकि हम लोग इसको आगे पीछे हिला भी सकते हैं, इसका कर्वेचर भी चेंज कर सकते हैं। जो सीलरी मसल्स है ना वो यही काम करती हैं कि लेंस को मतलब इसका, अब देखिए हमारी आई में एक ही लेंस होता है ना, अब ये तो नहीं कि एक दो लेंस हो, तो होता एक ही लेंस है, तो उसकी जो सीलरी मसल्स है ना इसको मतलब आगे पीछे चेंज करती हैं इसके कर्वेचर को, ताकि हमारा जो है ना एक फोकस इमेज है ना वो रेटिना पे बन सके। ये चीज हो गई, यहाँ तक समझ आ गई सबको? Okay, और ये जो है ना इसका जो इसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है ना इसको हम लोग कहते हैं, ये जो है सीलरी मसल्स। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, कि सबसे पहले लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो कॉर्निया पे आती है, ठीक है, फिर उसके बाद लेंस पे आती है, फिर फोकस इमेज बनता है। लेंस जो है वो हमें एक फाइन एडजस्टमेंट है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद विट्रस एक्वस ह्यूमर का क्या काम होता है कि वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कॉर्निया और लेंस को। और वो जो है विट्रस ह्यूमर ये हमारे आई बॉल को मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये था मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। अगर किसी का कोई मसला है तो पूछ लें। नेक्स्ट जो है वो सायरा प्रेजेंट करेंगी, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। सायरा Okay, Bob, करें. Shukriya. Assalamualaikum class. My name is Sarah Iqbal and my number is 1154. And today my topic of presentation is sense of touch, which is also from the five senses. So let me discuss it. First of all, what is sense of touch? The sense of touch is really a collection of several senses. चूल्हे के इस बाकी कई हिस्सों का मजमुआ है, इनकम्प्रेसिंग प्रेशर पेन कोल्ड एंड वार्म, जो कि दबाव दर्द सर्दी और गर्मी का अहाता करता है। द सेंसेस ऑफ ईच एंटिकल आर रिलेटेड टू प्रेशर, ये जो खारिश और गुदगुदी का ताल्लुक है वो दबाव से है। एंड इंजरीज आर रिलेटेड टू पेन, और जलने वाली चोट का ताल्लुक दर्द से है। टच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय मैकेनिकल केमिकल एंड थर्मल एनर्जी। टच रिसेप्टर्स मैकेनिकल केमिकल और थर्मल तवानाई की वजह से मुतहरक है। सो द नेक्स्ट पार्ट इन दिस प्रेजेंटेशन इज सेंस ऑफ टच एंड ह्यूमन बॉडी। दिस द ऑर्गन ऑफ ह्यूमन सेंस ऑफ टच इज स्किन। इंसानी छूने के इस काज जो जीत है, क्योंकि द लार्जेस्ट स्किन। सर क्या हो, सर सही नहीं आ रहे लग रहा है, स्पीकर पे जा रही है आवाज।
जैसे पहले रिकॉर्डिंग की है तो चलो एनी हो प्रेजेंट कर इट इज द लार्जेस्ट स्किन ऑर्गन ये स्किन ये दिल का सबसे बड़ा ऑर्गन है बिकॉज अनलाइक द अदर्स क्योंकि दूसरों की तरह इट इज नॉट लोकेटेड एट एनी स्पेसिफिक प्लेस ये किसी खास जगह पर वाकई नहीं है बट द एंटायर बॉडी बल्कि सारे जिस्म पर मौजूद है आवर सेंस ऑफ टच यूजेस मेनी डिफरेंट रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑफ टच जो है वो बहुत से रिसेप्टर्स को यूज करती है दैट हेल्प्स अस टू रिस्पोंड टू डिफरेंट स्टिमुलाई जो कि हमें मदद करता है कि हम मुख्तलिफ मुतहरकात में कैसे रिस्पोंड करें जैसे कि पेन प्रेशर टेंशन टेम्परेचर वेट एंड वाइब्रेशन इट हेल्प्स अस मूव अवे ये हमें मदद करता है कि हम दूर हो जाए व्हेन द ब्रेन रिसीव्स दैट जब हमारा दिमाग ये हम लोगों को बताता है कि यहाँ पर कोई खतरा है रिसेप्टर्स दैट रिस्पोंड टू हीट एंड कोल्ड एंड नोन एज थर्मोरिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स जो कि सर्दी और गर्मी का अहाता करते हैं या फिर उनको उन पर रिस्पोंड करते हैं उनको हम थर्मोरिसेप्टर्स का नाम देते हैं नोसिरिसेप्टर्स रिस्पोंड टू पेनफुल स्टिमुलाई जब हम लोगों को तकलीफ होती है तो नोसिरिसेप्टर्स रिस्पोंड करते हैं मैकेनोरिसेप्टर्स आर दोस दैट रिस्पोंड टू मैकेनिकल स्टिमुलाई जो रिसेप्टर्स है वो केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पोंड करते हैं जैसे कि हम लोगों के पास है प्रेशर टेंशन और वाइब्रेशंस केमोरिसेप्टर्स रिस्पोंड टू केमिकल स्टिमुलाई जो केमोरिसेप्टर्स हैं वो केमिकल स्टिमुलाई को रिस्पोंड करते हैं जैसे कि हम लोगों के पास होता है टेस्ट और स्मेल द एंटायर नेटवर्क ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्किन ये जो हमारे पास है सेंसरी रिसेप्टर्स का पूरा नेटवर्क एक ही जगह पर यह जिल्द पर ही मौजूद नहीं होता इट इज एग्जिस्ट इन द It is distributed all over the inside of the body. बल्कि ये जिस्म के तमाम अंदरूनी हिस्सों में तकसीम होता है जैसे कि मसल्स में बोन्स में ज्वाइंट्स हार्ट और ब्लड वेसल्स में इट इज नोन एज सोमैटोसेंट्रल सिस्टम इस सारे सिस्टम को हम सोमैटोसेंट्रल सिस्टम का नाम देते हैं अ फ्यू प्लेसेस विदाउट द सेंसरी रिसेप्टर्स आर आवर हेयर एंड फिंगर नेल्स सेंसरी रिसेप्टर्स के बगैर कुछ जगह हमारे बाल और नाखून हैं दिस इज वाई वी फील नो पेन यही वजह है कि हम कोई भी दर्द महसूस नहीं करते जो भी हम उनको काटते हैं या फिर तराशते हैं रिसेप्टर्स दैट रिसीव वेरी फाइन सिग्नल्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन रिसेप्टर्स जो कि बहुत अच्छे से सिग्नल्स रिसीव करते हैं वो जिल्द की सतह के बिल्कुल करीब वाके होते हैं जैसे कि एपिडर्मस और डर्मस जब थोड़े से गहरे हो जाए सिग्नल्स सम रिसेप्टर्स रिस्पोंड टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन कुछ जो रिसेप्टर्स हैं वो जिल्द के ऊपर स्ट्रेचिंग या खिंचाओ या फिर और भी दूसरे स्किन के ऊपर जो हमारे पास रिएक्शन होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं और प्रेशर को नाउ क्लास दिस इज ऑल अबाउट द सेंस ऑफ टच एंड आई वुड लाइक टू सम अप दिस प्रेजेंटेशन थैंक यू Assalamu alaikum class. My name is Binahil Tariq and my roll number is 15563. Today the topic of my presentation is taste. So let's define. सबसे पहले हम taste की definition करेंगे कि taste क्या होता है और ये हमें कैसे feel होता है कहते हैं कि टेस्ट इज वन ऑफ आवर फाइव बेसिक सेंसेस टेस्ट जो है हमारी पांच बेसिक सेंसेस में से एक सेंस है इट इज आल्सो नोन एज गस्टेटाइन इसको गस्टेटाइन भी कहते हैं इट इज अ सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ अ सब्सटेंस ये एक सेंसरी सा एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज का दैट इज पुट इन आवर माउथ जो हम अपने मुंह में लेके जाते हैं आवर टंग आर कोटेड विद टेस्ट बड्स हमारी जुबान के ऊपर ना टेस्ट बड्स की क्लियर होती है विच कंटेन टेस्ट रिसेप्टर्स जिनमें टेस्ट रिसेप्टर्स सेल्स होते हैं ठीक है जब भी हम कोई भी चीज पकड़ते हैं हम उसको अपने मुंह में लेके जाएंगे जब हम उसे मुंह में रखेंगे फौरन हमें एक फीलिंग आएगी वो फीलिंग जो है उसे हम टेस्ट कहते हैं सिंपल वर्ड्स में इसे ऐसे डिफाइन करें नाउ नेक्स्ट हम करेंगे कि हाउ टेस्ट अकर इन ह्यूमन बॉडी कि इंसानी जिस्म में टेस्ट कैसे अकर करता है ह्यूमन डिटेक्ट टेस्ट विद टेस्ट रिसेप्टर सेल्स कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं टेस्ट रिसेप्टर सेल्स की मदद से दीज आर क्लस्टर्ड इन टेस्ट बड्स एंड स्कैटर्ड इन अदर एरियाज ऑफ अ बॉडी कहते हैं कि ये जो टेस्ट रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना यहाँ पे टेस्ट बड्स का एक जैसी चीजें जो होती है ना उनमें टेस्ट बड्स का एक मजमुआ होता है और हमारी बॉडी में ये अलग अलग जगह पर ना बिखरे हुए होते हैं
Each taste buds has pore that opens out to the surface of the tongue. कहते हैं कि हर taste bud में pores होती हैं, जो हमारी जुबान है ना उसके surface पे खुली हुई होती हैं. Enabling molecules and ions take into the mouth to reach the receptor cells inside. उसकी वजह से वो हमारी वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारी जुबान पे इस काबिल बनाते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स और आयंस को अंदर लेके जाएं और फिर उधर से टेस्ट रिसेप्टर सेल्स से अंदर लेके चले जाते हैं. उसके आगे है टाइप्स टेस्ट की. यहाँ पे हमारे पास पांच टाइप्स हैं, ठीक है, स्वीट, सोर, साल्टी, बिटर और सेवरी. आगे इनकी हम सबकी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि स्वीट क्या होता है, सोर क्या होता है, साल्टी और ये सारे. सबसे पहले हम करेंगे स्वीट. कहते हैं कि जनरली sweetness is caused by a form of sugar or alcohol. Sweetness, mithas kaise banti hai? Alcohol se ya sugar se? Certain amino acids may also taste sweet. Kehte hain kuch amino acids hamare paas aise hain jinka taste jo hai wo sweet hai. Scientists think we evolved to like sweetness because it helps us to recognize energy dense food. Scientists jo hain ka khayal hai कि जो मिठास है वो इस वजह से होती है जब हम ये हमें मदद करती है हमारे एनर्जी डेंस में फूड. स्वीट फूड्स आर ऑफन हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज विच प्रोवाइड आवर बॉडी विद फ्यूल. जो मीठे खाने होते हैं ना उनमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि ग्लूकोज और उससे हमारे बॉडी को ज्यादा फ्यूल मिलता है. स्वीट की एग्जाम्पल अब ये है जैसे हनी, स्ट्रॉबेरीज, कैंडी, फ्रूट जूस, केक और एटसेट्रा. आगे नेक्स्ट हम करेंगे इसका सोर. सोरनेस और टार्टनेस इज अ टेस्ट ऑफ एसिड. कहते हैं कि सोरनेस और टार्टनेस मतलब खटास जो भी उसका टेस्ट जो है वो एसिड्स का टेस्ट होता है. इट ब्रॉट्स ऑन बाय हाइड्रोजन आयंस. ये हाइड्रोजन आयंस से बनते हैं. ऑफन स्पॉइल्ड और रूटन फूड्स टेस्ट सोर. कहते हैं कि जो खराब खाने जो हो जाते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है. जैसे इसकी मिसाल हम ऐसे लेंगे कि जब हम दूध में दही को थोड़ा सा मिक्स करते हैं तो वो सुबह तक उसका दही बन जाता है. अगर हम उसमें ज्यादा दही या लस्सी कुछ भी मिक्स कर देंगे तो उसमें जो सारे रिएक्शंस होने हैं उन वो ज्यादा हो जाएंगे. इस वजह से दही खट्टा हो जाता है. इस वजह से मतलब चीजों की मिकदार है कि इतनी चीज होगी ये हमारे लिए ठीक है. अगर ज्यादा शोर हो जाएगा हम उसे नहीं खा पाएंगे. कहते हैं कि सारे जो खाने होते हैं ना शोर जो जितनी भी चीजें शोर होती हैं लाजमी नहीं कि वो सारी हमारे लिए हार्मफुल है. इसलिए कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम सेफली खा सकते हैं जैसे विनेगर, लेमन जूस, योगर्ट एटसेट्रा. उसके बाद आ जाता है बिटर. कहते हैं कि बिटरनेस इज ड्यू टू मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. बिटरनेस जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से होती है. जैसे हमने पीछे पढ़ा स्वीट का, सोर का, उनमें था एक एक मॉलिक्यूल से हो रही है. जैसे सोर जो था वो एसिड्स का टेस्ट था और हाइड्रोजन आयंस बन रहे थे. ऐसे बिटरनेस में ज्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं. दीज मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स. ये मॉलिक्यूल जो हैं वो ज्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं. हैवर मेनी प्लांट्स विद बिटर कंपाउंड्स आर टॉक्सिक. कहते हैं कि कड़वे मरकबात वाले बहुत से पौधे जो थे ना वो जहरीले थे. आवर एंसेस्टर इवॉल्व टू टेस्ट बिटरनेस सो दे कुड रिकॉग्नाइज एंड अवॉइड पॉइजन. इसलिए हमारे जो थे एंसेस्टर्स अबाजदाद उन्होंने हमारे अबाजदाद ने ना करवाहट उसकी बिटरनेस को चखे. वो चखने के लिए तैयार हो गए ताकि ना उनको पता चल जाए कि कौन सी चीज हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं. उसके आगे है कि नॉट ऑल बिटरनेस इज बैड. सारी बिटरनेस जो है वो बुरी नहीं होती. वी कैन टाइपिकली टॉलीरेट बिटरनेस एट लो अमाउंट और वेन दे आर कम्बाइंड विद अदर थिंग्स. कहते हैं कि हम बिटरनेस को हल्की मिकदार में, थोड़ी मिकदार में ले सकते हैं या उसे किसी और चीज में मिला के. इसकी एग्जांपल बिटर फूड्स इंक्लूड कॉफी है, वाइन है, डार्क चॉकलेट्स हैं. इसके आगे आ गया सेवरी. कहते हैं कि सेवरी टेस्ट इज कॉज्ड बाय अमीनो एसिड्स. जो सेवरी टेस्ट है वो अमीनो एसिड्स से बनता है. इट्स कॉमनली ब्रॉट ऑन बाय एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड. ये दो एसिड्स के नाम है, इनसे हमारे पास इनकी वजह से सेवरी एसिड बनते हैं, ठीक है. ओकेजनली सेवरी इज कॉल्ड उमामी और मैटी. कहते हैं कि सेवरी को हम माइमी और मैटी भी कह सकते हैं. सम साइंटिस्ट थिंक टेस्टिंग सेवरनेस हेल्प्स इंक्रीज आवर एपिटेट एंड कंट्रोल प्रोटीन डाइजेशन. कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि
जायकी की मतलब जब हम देखते हैं ना कि किसी चीज में ज्यादा टेस्ट है तो उससे हमारी भूख में भी इजाफा हो सकता है और फिर ऐसे प्रोटीन जो है हमारी डाइजेशन को बढ़ा देते हैं और हम डाइजेशन में हमारी मदद करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं मीट ब्रोथ, एड चीज, राइप टमाटोज एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक दो चीजें और है, हॉट और स्पाइसी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास 5 टाइप्स थी टेस्ट की, अब हॉट और स्पाइसी ये भी दो चीजें हैं। अब हमने ये फैसला करना है कि ये जो हॉट और स्पाइसी है ये हमारे पास टाइप्स है टेस्ट की या ये कोई फीलिंग है। तो इसमें कहते हैं कि टेक्निकली इट इज जस्ट अ पेन। कहते हैं कि टेक्निकली ये सिर्फ एक पेन है सेंड बाय नर्व्स दैट ट्रांसमिट टच एंड टेम्परेचर सेंसेशन। ये एक पेन है जो हमारे नर्व्स जो है हमें हम तक ट्रांसमिट करते हैं जब हम किसी को छूते हैं या टेम्परेचर के सेंसेशन से। The substance capsaicin in food seasoned with chili. कहते हैं कि एक substance जिसका नाम capsaicin है वो food में seasoned with chili, chili के साथ होती है a sensation of pain and heat. फिर उससे हमें pain, तकलीफ और heat महसूस होती है। मतलब देखें जब हम कोई भी spicy चीज खाते हैं, ज्यादा spicy चीज मुंह में डालेंगे तो हमें फौरन ऐसे हमारा face गर्म हो जाएगा और हमें थोड़ी हल्की पेन भी फील होगी कि मतलब जब मिर्ची लग रही होगी या हम कोई गर्म चीज मुंह में लेके जाएंगे तो फौरन हमें फील हो जाएगा कि ये गर्म है। तो इससे मतलब हमने ये कहा कि जो हॉट और स्पाइसी है ये हमारे पास एक फीलिंग है, ये टाइप नहीं है। बस इतना ही था मेरा। अब मैं सीआर अरसलाना पोस्ट बना देती हूँ। सीआर मैंने आपको होस्ट बना दिया है। नाउ यू कंटिन्यू। सीआर अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्मेल। द मॉलिक्यूल दैट एक्टिवेट द सेंस ऑफ स्मेल आर एयर बोन्स। दे एंटर द बॉडी They enter the body via the nose and mouth and attack to receptor cells that line the mucous membranes far back in the nose. इसमें उसने कहा गया है स्मेल की सिंपल डेफिनेशन बताई गई है। ये वो मेम्ब्रेन्स होते हैं जो स्मेल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेंस ऑफ स्मेल को एक्टिवेट करते हैं। ये बॉडी में एंटर होते हैं via नोज के जरिए और माउथ के जरिए एंड अटैक टू रिसेप्टर सेल्स एंड डेडलाइन द म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर बैक टू द नोज। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इज स्मेल सो पावरफुल। वन रीजन इज दैट ऑल्फैक्टरी सिस्टम इज लोकेटेड इन सम पार्ट ऑफ आवर ब्रेन दैट अफेक्ट्स इमोशंस मेमोरी एंड क्रिएटिविटी एंड दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रोसेस स्मेल। ये हमारे ब्रेन के ऐसे एरिया में होता है जहाँ इमोशन और मेमोरी के असरात हो, इसलिए सेंस स्मेल और इमोशन और यादों पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ऐसे जैसे खाने की खुशबू से हम याद कर सकते हैं कि किसकी ऐसी मेमोरी या इमोशन को कि इसकी खुशबू से पता चलता है क्या बना है या किसके हाथ का बना है। मीन ऑल डैट स्मेल इज वन ऑफ मोस्ट underrated sense in our bodies. Smell में जैसी इसको हमारे जिस्म की मामूली हिस कहा गया है and scent is often overloaded smell is often overlooked in marketing as many people focus on creating visual and auditory cues and स्टिमुलेशन। इसमें कहा गया है कि जो स्मेल है ना इसको नजरअंदाज किया जा रहा है मार्केटिंग और पीपल फोकस ऑन क्रिएटिंग विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज एंड स्टिमुलेशन। मतलब पीपल फोकस ज़्यादातर कर रहे हैं स्टिमुलेशन मुतहरक सुनने और देखने की इस पर। वी आर सो ऑफ्टन टोल्ड दैट विजुअल मैटर, इसलिए हमने इसे विजुअल मैटर का नाम दिया गया है। और
यू नीड टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन, और तुम्हें एक अच्छे इम्प्रेशन की जरूरत है, फर्स्ट गुड इम्प्रेशन। डेट वी ओवरलुक द पावर ऑफ स्मेल, इसलिए हम स्मेल को नज़रअंदाज करते हैं। इट्स टाइम फॉर डेट टू चेंज, ये टाइम चेंज करने का यानी इसे बदलने का है। द सेंस ऑफ स्मेल हैज़ अ पावर टू इम्पैक्ट हो योर कस्टमर एंगेज विद योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स। इसमें उसने कहा गया यहाँ पर कस्टमर अपने गुड इम्प्रेशन से ब्रांड और प्रोडक्ट को सेल करता है ताकि नेक्स्ट वाला बंदा मुतासर हो, यानी नेक्स्ट कस्टमर मुतासर हो। इसके नीचे आ जाते हैं, व्हाट आर द 10 बेसिक स्मेल्स फ्रॉम द डेटा। डेटा में गिवन दिया गया है द टीम आइडेंटिफाइड 10 बेसिक ऑर्डर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वीट, फ्रेग्रेंट, वुडी, फ्रूटी, केमिकल, इंटी, पॉपकॉर्न, लेमन एंड टू टाइप्स ऑफ सिकनिंग, डिकेइंग एंड पंजन। इसके बाद एक टॉपिक है, वो एक क्वेश्चन वो शेयर नहीं किया गया, वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ ऊपर। व्हाट इज अ पॉजिटिव वर्ड फॉर स्मेल, यानी स्मेल के लिए पॉजिटिव वर्ड क्या ले सकते हैं हम। सम कॉमन सिनोनिम्स ऑफ सेंट आर फ्रेग्रेंस, परफ्यूम एंड रिडोल्डेंस, रेडोलेंस, वाइल। ऑल दीज वर्ड मीन आर स्वीट और प्लेजेंट ऑर्डर्स। मतलब इन सब का जो पीछे दिए गए हैं ना, मतलब कॉमन सिनोनिम ऑफ सेंट फ्रेग्रेंस हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, रेडोलेंस हो सकता है, इन सब का एक ही मीन बनता है, यानी स्वीट और प्लेजेंट ऑर्डर। सेंट इज वेरी क्लोज टू परफ्यूम, सेंट तकरीबन परफ्यूम ही एक हिसाब से है, लेकिन बट ऑफ वाइडर एप्लीकेशन बिकॉज मोर न्यूट्रल इन नोटेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑल्फेक्टरी बल्ब्स, वो एक मिनट। ऑल्फैक्ट्री बल्ब्स, इनका काम क्या है। इट रिसीव्स न्यूरल इनपुट्स अबाउट ऑदर्स डिटेक्ट बाई सेल इन टू द नेसल कैविटी। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स। इट इज एबल टू डिटेक्ट एयरबोन ऑदर डेट एंटर द नेसल कैविटी। मतलब ये हवा में चलने वाली खुशबू को डिटेक्ट करता है और एंटर करता है नेसल कैविटी में एंड बिंड टू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड स्मेल रिसेप्टर्स। अब हमारे पास आ जाता है नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में देखेंगे हम, the nasal cavity is the inside of your nose, it is lined with the mucous membrane that helps keep your nose moist। matlab nasal cavity hai ye nose ke andar hoti hai, matlab lined with the mucous membrane, mucous membrane ki line mein, that helps jo ke help karti hai keep your nose moist, matlab naak ko nami se bachati hai। बस सर जी, को आगे बढ़ाए, अपने वर्ड्स को आगे बढ़ाए ताकि इनकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो भी हमारे इस आयरन पर बैठ सके। एंड तुम लोग यहाँ पर गलत मत समझना मेरे को, मैं यहाँ पर इन दोनों की पीढ़ी की बात नहीं कर रहा। हेलो जी, मुझे लगता है सर नहीं है। नहीं सर हैं, यही सर हैं, पर उनका माइक ऑफ है। यार आप सर को होस्ट बना दो।